वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे गांव तरफ आलू किस प्रकार लगता है, आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए हमारा बारी है और किस प्रकार आलू को लगाएंगे आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए बारी हमारा है और दोस्तों दिखाएंगे कि आलू लगाने के लिए कौन सा खाद देना पड़ता है, आपको दिखाएंगे वीडियो में। और दोस्तों देखिएगा हमारे तरफ इस प्रकार आलू रोपा जाता है। ये देखिए पहले लंबा सा बरंगा बोलते हैं उसको बनाया जाता है, उसके बाद देखिए ऐसा छोटा छोटा अंडारी बनेगा। देखिए आलू को बिछाया गया है, उसमें माटी को डाल रहे हैं ऊपर से। देखिए इस प्रकार हमारे गांव देहात में आलू रोपा जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार भर रहे हैं माटी को। और देखिए हमारी मम्मी आलू को बिछा रही है उसके ऊपर, फिर अब हम माटी भरेंगे। ये देखिए इधर पूरा भर चुके हैं और देखिए सारा बरंगा बन चुका है, इसमें गंडारी बनाएंगे। देखिए इसमें नौ बरंगा बना हुआ है, इसमें गंडारी बनाएंगे। ये देखिए मम्मी हमारी आलू को बिछा रही है, अभी इसके ऊपर खाद डालेगी और बनाएंगे। देखिए ये खाद डाल रही है, इसके ऊपर फिर आलू डालेगी। आलू डालने के बाद फिर हम माटी उसमें उसके ऊपर उसको ढकेंगे। ये देखिए आलू रखा हुआ है हमारे तरफ, देखिए पूरा बरंगा बन चुका है। ये देखिए आलू को पूरा ढक चुके हैं। ये देखिए इस प्रकार आलू लगाए हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे तरफ इधर देखिए ये जगह है, इधर लहसुन भी लगाएंगे। आपको लहसुन कैसे लगाएंगे आपको दिखाएंगे वीडियो में। और देखिएगा हमारे तरफ खाद, देखिए DAP खाद है और पोटाश है, और ये केमिकल लाए हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा ना लगे और अच्छा से बैठे। और देखिए आलू को लगा चुके हैं इस प्रकार, अब लहसुन को लगाएंगे, लहसुन को दिखाते हैं। ये देखिए लहसुन, पुराना लहसुन हम लोग का बिहन बचा हुआ था उसको अभी छुड़ाएंगे, छुड़ाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए लहसुन छूट चुका है, अब इसको लगाएंगे। देखिए लगाते हैं किस प्रकार आपको दिखाते हैं वीडियो में। देखिए लाइनिंग पूरा पार चुके हैं, लाइनिंग दे दी है, इसी ही लाइनिंग में लहसुन को बिछाया जाएगा। उसको उसको भी उसी तरह आलू की तरह ढकेंगे, देखिएगा वीडियो में। देखिए लहसुन को पूरा बिछा दिया गया है दोनों तरफ से, हमारे तरफ इसी तरह लहसुन रोपते हैं और पूरा इसको भरेंगे। देखिए लहसुन को किस तरह बिछा रही है, हमारे तरफ इस तरह लहसुन लगता है और लहसुन काफ़ी अच्छा होता भी है। और देखिएगा दोस्तों पूरा लहसुन को बिछा दिया गया है। देखिए अब इसमें हम ऊपर से माटी को डालेंगे। ये देखिए पूरा लहसुन किस तरह लग रहा है डालने के बाद। और देखिएगा दोस्तों लहसुन को ढक रहे हैं, देखिए माटी किस तरह उठाएंगे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए माटी इस तरह उठा रहे हैं, लहसुन को बिछाया गया है। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र रविदास हुआ और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और चानो गांव का रहने वाला हूं। और देखिए हमारे तरफ किस प्रकार आलू और लहसुन को लगाया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।